नमस्कार, एक खास खबर। मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय चुन्नीलाल पोदार ने अपनी वसीयत अपने माली के बेटे श्री राहुल भागवत के नाम कर दी है। श्री पोदार की वसीयत करीब 400 करोड़ की है। कल तक एक मामूली हैसियत रखने वाले राहुल भागवत अब शहर के चंद बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अंदर जाओ। हाँ वो देखो आगे आगे। इस राहुल जिस दौलत को पाने के लिए इंसान जिंदगी भर दौड़ता है, अचानक पाकर कैसा लग रहा है आपको? मिस्टर राहुल, क्या आपको मालूम था कि आप इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बनने वाले हैं? आनंद आया आया आया, सुनिए सुनिए, स्कूल में आप लोग हटिए, कहाँ सर पे चले आ रहे? हटिए हटिए यहाँ से। देखिए, मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले विल सरमिन की फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, फिर इंटरव्यू। हटिए आनंद। हेलो राहुल। आखिर माली का बेटा है ना, वंस अ माली ऑलवेज अ माली। चलिए चलिए चलिए, बाद में मैंने कहा ना टाइम दूंगा। चलिए 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 चलिए, क्या कर रहे हो? उठाओ, सब लोग देख रहे हैं। मैं इन पेड़ पौधों को बुरी हालत में नहीं देख सकता, आखिर इनमें भी जान है, लोग समझते ही नहीं। हाँ, उन्हें बाद में समझा देंगे, अभी रजिस्ट्रार आ गए। उठो उठो। वेलकम एवरीबॉडी। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए मैं मिस्टर पोदार की वसीयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं संपतराव पोदार बल किशनराव पोदार अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत राहुल भागवत वल्द हरभजन भागवत के नाम करता हूँ। मेरी चल अचल संपत्ति और बैंक में जमा कुल रकम मिलाकर करीब 400 करोड़ की है। मेरी इस वसीयत की हकदारी के लिए श्री राहुल भागवत को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो इस प्रकार है। शर्त नंबर एक, मैं जिंदगी में जिन तरीकों और उसूलों पर चल रहा था उसे भी उन्हीं पर चलना होगा। शहर में जो मेरे नाम का, शर्त नंबर दो पढ़ रहा हूं, शहर में जो मेरे नाम का दबदबा है वो कायम रहना चाहिए। ये क्या? तीन, उसे शहर का, ये कैसे हो सकता है? What? No. No. No, it's impossible. Mr. Dastur, जरा ऊपर आइए, जरा ये नंबर तीन पढ़िए। वन मिनट। Oh my God. ये सब क्या है? क्या ये नहीं हो सकता? यही सब तो मैंने भी कहा। वन मिनट। आनंद, प्लीज कम अप। यस सर। आनंद, ये देखो, ऐसा व्हील कोई किसी का बनाता है? कुछ गड़बड़ है, देखो। एक मिनट, मैं देखता हूँ। फिरा। एक मिनट। ओह, मैं देखता हूँ गड़बड़ का। गड़बड़ कहीं भी हो, बिल में जो कुछ लिखा है आप लोगों के सामने है। अब कुछ नहीं हो सकता सर। जी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। I'm sorry, this will cannot be given to Mr. Rahul. ये वसीयत Mr. Rahul को नहीं दी जा सकती। As such, this ceremony stands cancelled. Ladies and gentlemen, you can go home. Sir, if there is a will, there must be a way. Yeah, there is one way. I know that. That's the way. Sir, that is out of the question. Don't worry. रिलैक्स, परेशान मत हो, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। मगर ये छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, ये तो बता। देखो वो क्या है, वसीयत में एक छोटी सी क्लॉज है, एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है, बस। शर्त? कैसी शर्त? मैं समझाता हूँ राहुल, यू जस्ट रिलैक्स। ये जो तुम बात बात पर खड़े हो जाते हो उससे मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है, उन दिनों मैं एक नॉवल लिख रहा था, ग्रेट डॉन। तो मेरी नॉवल में डॉन एक इकलौते बेटे का बाप है और वो अपने बेटे के लिए वसीयत तैयार करवाता है और उसमें उसके लिए एक शर्त रखता है। हाँ, मुझे तुम्हारे नॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी वसीयत के साथ क्या हुआ ये बताओ पहले। मैं वही पहुंच रहा था, तुम बैठो ना, रिलैक्स। ये जो तुम घड़ी घड़ी खड़े हो जाते हो ना, उससे मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो हुआ क्या कि मैं नॉवल और विल दोनों पर साथ साथ काम कर रहा था अपने कंप्यूटर पर, तो एक तरफ नॉवल का प्लॉट और दूसरी तरफ पोदार साहब की विल। लेकिन कंप्यूटर की गलती से नॉवल का कुछ पोर्शन विल में चला गया और विल का कुछ पोर्शन प्लॉट में। बस इतनी सी बात है। मगर नॉवल का कौन सा पोर्शन विल में चला गया? अरे हाँ तो छोड़ो, अरे जो डॉन ने अपने बेटे के लिए शर्त रखी थी
वही वाला। लेकिन डॉन ने अपने बेटे के लिए कौन सी शर्त रखी थी? वही मामूली सी कि उसे शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना है, बस इतनी सी शर्त। अच्छा अच्छा, मतलब इस शर्त अब मुझे पूरी करनी है? हाँ। इस शहर का सबसे बड़ा डॉन मुझे बनना है? हाँ। वहाँ उसे बनना था, यहाँ तुम्हें बनना है सिंपल। छोड़ो छोड़ो, खेल जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो, वसीयत हासिल करने के लिए डॉन बनना पड़ेगा? संभालो संभालो, इजी इजी। देखो अब विल में जो कंडीशन है वो तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ना। अब देखो मैं तुम्हें एक महीने में डॉन कैसे बनाता हूँ। एक महीने में? हाँ यही तो शर्त है। नहीं, नहीं। एक महीने में 400 करोड़। हाँ, है ना? हाँ, देखो फटाफट को ऐसा काम करते हैं जिससे फौरन तुम शहर के सबसे बड़े डॉन बन जाओ। यार क्या परफेक्ट आइडिया है। ओहो मुबारक हो मुबारक हो, तुम डॉन बन गए। हेलो डॉन, हाउ आर यू? थैंक यू। लेकिन आइडिया क्या है? इस शहर में बहुत बड़ी बैंक खुली है, उसे लूटते हैं। क्या? ओके ओके, अभी अभी खबर मिली है कि चीरा बाजार में जो नई बैंक खुली है उसे लूटने का कुछ गुंडे प्लान बना रहे हैं। सर, इस एरिया की इंचार्ज तो ऐसा एक कंचन ढिल्लो है। जानता हूँ जानता हूँ, कंचन ढिल्लो क्या है ये पूरा डिपार्टमेंट जानता है। कंचन एक भवंडर का नाम है जिसको दक्षिण दिशा में रेड करने को बोलो तो उत्तर में चली जाती है। आज वो लेट है, जरूर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा कर रही होगी। वही होगी सर, वही होगी। अरे सर, ब्रेक फेल हो गए थे। मैं इसे गैराज लेके जाने वाली थी लेकिन यहाँ के लिए लेट हो जाती। आप मुझे नौकरी से निकाल देते सर। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हुई थी। उतरो नीचे उतरो। अरे प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट। सर आप मुझे खास केस देने वाले थे सर, आपने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था, प्लीज। सर आपने कहा था सर, आप याद कीजिए सर। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, फिर याददाश्त खत्म हो चुकी है। प्लीज सर, एक केस प्लीज सर। अरे लगा लगा काटे, इस लड़की के वजह से मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। काटे तुम अपनी फोर्स लेकर वो चिरा बाजार के बैंक में जाओ और जैसे ही वो गुंडे वहाँ पहुँचेंगे उन्हें दबोच लो। आईची शपथ मी छोड़ना नहीं। सर उन लोगों को मैं पकड़ सकती हूँ सर, वो बैंक मेरे एरिया में है। आप प्लीज मुझे भेजिए सर, आप प्लीज मुझे भेजिए। मिस कांचन, मैं तुम्हें इस काम में लगाने की भूल नहीं कर सकता। आप भूल कीजिए, प्लीज कीजिए सर। मेरे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, मुझे बहुत ऊपर जाना है सर। सर मैं उस दिन भाभी जी से मिली थी, उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कंचन तू एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। भाभी जी भी बहुत समझदार है सर, बहुत समझदार है। हाँ सर, वो ना हीरे और पत्थर में फर्क पहचान लेती है, इसलिए तो उन्होंने आपको पहली नजर में देखकर पसंद कर लिया था। नहीं 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 कंचन, मैं तुम्हें ये काम नहीं दे सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके सर ओके, मत दीजिए। करेक्ट, मगर हकीकत तो हकीकत है ना सर, भाभी जी की सारी फ्रेंड्स उनसे बहुत जलती हैं। एक तो आप हैंडसम तो है ही ना सर, ऊपर से इंटेलिजेंट भी। अब ये दोनों बातें एक इंसान में मिलना बहुत मुश्किल है ना सर, इसलिए जलती है बेचारी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं सर, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं। क्या हो गया कांटे को? कुछ नहीं सर कुछ। ओके ओके, तो जाओ उन गुंडों को पकड़कर लॉकअप में बंद करो और अपना, मेरा और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर इनामदार बोल रहा हूँ। हाँ हमें पहले खबर मिली थी, मैंने अपनी टीम वहां भेज दी है। ओके क्या? ओह माय गॉड, ओके ओके ठीक है ठीक है। ओह नो, बैंक में सीबीआई के लोग भी पहुंच रहे हैं और कांचन को मैंने पहले ही वहां भेज दिया है। भगवान जाने अब क्या हंगामा होगा वहां। घबराइए मत, डोंट वरी डोंट वरी, मैं सीबीआई चीफ दोने हूँ। मिस्टर सावंत, आपके बैंक के स्टाफ की जगह मेरे ऑफिसर्स ने ले ली है। हर जगह, हर खिड़की, हर दरवाजे पर मेरे आदमी हैं, चौकन्ने और अलर्ट, और मेरा हर ऑफिसर शार्प और इंटेलिजेंट है। सर सर, वो कैशियर की कैबिन में रहने बैठ गया है और वो कहता है वो वहां से नहीं हटेगा, फिर मैं कहां बैठूंगा सर? देखा आपने, शार्प एंड अलर्ट। तुम एक काम करो, यहाँ मैनेजर साहब के साथ बैठ जाओ, ये ताश लो और रमी खेलो। कम सुना 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 सुना। और
जब तक ये रॉबर्स नहीं आते हैं दो चार हाथ मैं भी खेल लेता हूँ। बांटो, चलो बांटो 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 बांटो। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस? वेरी फूलिश। आपको शायद मेरे रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं है। मेरे परमिशन के बगैर एक हवा का झोंका भी अंदर नहीं आ सकता, नॉट इवन ए झोंका। चलो 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 चलो। क्या करो, आराम से। मैं हूं ना। ये काम मुझे नहीं। नमस्ते जी। इनकी तरफ मत देखो, रिएक्ट करेंगे। इनकी तरफ मत देखो, और देखो सीधे आराम से। उनके पास बंदूक है? कोई बात नहीं, वो डराने के लिए बंदूक चलते नहीं। अंधेरा बहुत है यहाँ। अरे बेवकूफ, तुमने सूरदास वाला चश्मा जो लगाया हुआ, उतारो उसे। रखो। अरे इसे देखो नहीं, रखो अंदर, अंदर रखो। वो जो सामने कैशियर बैठा है ना, सारा पैसा उसी के पास है। आनंद एक आइडिया मेरे पास। तू भी खुश? मैं भी खुश। हैं? अब कौन सा आइडिया आया है? ये कल पे रखे? नहीं, कल पे नहीं, जो होना अभी इसी वक्त, राइट नाउ। ये लो रिवॉल्वर, लो रिवॉल्वर लो। आनंद मुझे चलाना नहीं आता, ये मुझे नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। होगा। बी कॉन्फिडेंट, होगा। देखा, वो भी कह के गया, बी कॉन्फिडेंट होगा। चलो चलो चलो। लेकिन ये है कौन? मुझे क्या पता कौन है, लेकिन जो भी कह के गया सही कह गया। तो मगर क्या दूं? दिखता नहीं क्या? दो। हाँ देख रहा हूँ, मगर क्या चाहिए आपको? दे दो, वरना। वरना क्या? वरना कसम से। फोन उठा, फोन उठा। सर आपका फोन है। सर हा? आपका फोन है क्या? हाँ सर, फोन आपका है। फोन है, मैं फोन है। अरे क्या हो गया? अरे अरे उठाओ उठाओ भाई साहब को खिलाओ। अरे पानी लेके आओ, पानी पानी, मुंह में पानी छिटे मारो। हाँ संभालो। एक मिनट एक मिनट, खामोश। क्या हुआ? सर ये अचानक बेहोश हो गया। सर कुछ नहीं हुआ सर, मैं ठीक हूँ। मैं सर प्लीज पानी पिलाइए ना। अरे नहीं नहीं, इसको पिलाओ नहीं, कुछ खिलाओ। ही इज गॉन वीक। सैंडविच खिलाओ, डोसा खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। उफ, 15 मिनट हो गए, अंदर न कोई एक्शन न कोई रिएक्शन, ये हो क्या रहा है? जी जी जी, आपको नहीं, उधर हो क्या रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम्हारा दिमाग सरक गया क्या? या बैंक लूटने आए हो या ठूसने? बंद करो ये चबड़ 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 चबड़। आनंद बैंक वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अब कोई दूसरा बैंक नहीं, यही बैंक लूटेंगे, यही बैंक लूटेंगे अभी इसी वक्त। तुम यही से पिस्तौल निकालो, यही से आवाज दो, यही से बैंक लूटो। चलो बोलो बोलो, हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ये हुई ना बात, जाओगे तो भून दिए जाओगे। गुड, वेरी गुड, जैसा सिखाया तो बिल्कुल वैसे ही बोला है। तुम कुछ लोगों को ले जाकर इनको पीछे से घेर लो, मैं यहाँ से इनको संभालता हूँ। देखिए देखिए, मैं इस बैंक का मैनेजर दोने हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये रहा मेरा बैग, इसमें कैश डालो। तुम बैग लेके आए, बताया नहीं? वो ले गया। वो ले गया कौन? वो। ओ, आप भाई साहब, थैंक यू। हैंड्स अप। हैंड्स अप पहले से किया हुआ है। ये लो बैग, जल्दी डालो पैसा, जल्दी तुम करो। हथियार नीचे डाल दो, मैं मैनेजर नहीं, सीबीआई चीफ सोने हूँ, सोने। मेरे ऑफिसर्स ने तुमको पीछे से घेर रखा है, हाथ ऊपर। क्या? ए, हिल्लावत हिल्लावत। अरे घेर लिया है तो क्या हुआ, हम इसे उड़ा देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मारे जाओगे मैं कहता हूँ। अरे जल्दी करो। Stop! Stop the firing! Stop the firing! अरे पैसे निकालता है या उड़ाऊं? आपको जितना कैश चाहिए हम दे देंगे, मगर आप किसी की जान मत लीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, कल्लू मल्लू कल्लू मिया, जाओ और कैश लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। मोबाइल बंद करो। मोबाइल मेरे पास है, ये लीजिए। Yeah!
टाइम पर पहुंच गए। यस मैडम। दूर दूर कोने कोने तक दोने के नाम से लोग थर्राते कांपते हैं। तुमको पता नहीं आज तक दोने का ऑपरेशन कभी फेल नहीं हुआ। ए, नहीं, सारा कैश ले लिया। यस बॉस। गुड, खेल लो। दोने की प्लानिंग कभी नाकामयाब नहीं होती। तुमको तो हमारे जाल में फंसना ही था। अब तुम लोग बच नहीं सकते। एक रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तिवारी। यस बॉस। सारे बैग मिल गए। हाँ बॉस। गुड, वेरी गुड। गुड एंड ऑल हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। बम गिरफ्तार कर लो इन सबको। चुप। अरे चाप। क्या कर रही हैं आप? सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आप लोग अपना हाथ पीछे कर सकते हैं। जाइए अपने अपने काम कीजिए। अरे अरे किसको? आप किसको छोड़ रही हैं मैडम? गिरफ्तार कर लो। मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रही हूँ। मेरी बात सुनिए। इतनी मर मत करो इसकी। सीबीआई भी सब भूल जाए। आप भूल कर रही। आप भी जा सकते हैं सर। थैंक यू मैडम। इसमें थैंक यू की क्या बात है? पुलिस हर वक्त हमेशा आपके साथ है। यू आर ग्रेट मैडम। थैंक यू। लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज है।